बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आई बड़ी बिहारी रिक्वेस्ट जेएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आपको पता है कि हमने जो प्रीवियस टाइम का वीडियो था उसमें लेक्स की बात की और ये आर्टिफिशियल प्लस जो आपकी नेचुरल लेक्स थी उसकी बातचीत की। इसके साथ ही जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी लेक्स से रिलेटेड उसके बारे में भी चर्चा की और ये जो हिमाचल जीके का सेक्शन था उसकी बातचीत की। तो आज का जो आपका टॉपिक है, टॉपिक का नाम है, आपके सामने लिखा हुआ है प्रमुख जनपद, और ये जो बातचीत हो रही है ये हिमाचल के प्रमुख जनपद की बातचीत हो रही है। तो आपको याद रखना है, यहाँ से ढेर सारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो नंबर वन पे आपको क्या लिखना है कि कुछ एक जनपद है, पहले उसके बारे में आपको अवगत करवाना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर त्रिगत लिखा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है त्रिगत जो है काफी इम्पोर्टेंट है। उधमपुर, तो उधमपुर भी इम्पोर्टेंट है। क्या है उधमपुर भी काफी इम्पोर्टेंट है। दूसरा मतलब जो आपके सामने है उधमपुर के बाद वो मतलब दूसरा नहीं बोलेंगे, थर्ड वन जो है वो क्लूथ है। तो क्लूथ जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ में कुलिन ये भी इम्पोर्टेंट है युगल। तो इन जो जनपदों की बात हम करेंगे, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनपद क्या होता है। तो जनपद की जब बातचीत की जाएगी तो मैं आपको उस काल में ले जाना चाहता हूं जो हिस्टोरिकल एज मानी जाती है, ये वैदिक काल है। और वैदिक काल में जो जन्म हुआ करता था ये पॉलिटिकल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी, में जो राजनीतिक इकाई हुआ करती थी उस वक्त उसको क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। राजनीतिक इकाई को जन कहा जाता था। और सबसे जो छोटी इकाई हुआ करती थी वैदिक एज में उसको उस वक्त परिवार या जन उसको भी नाम दिया जाता था। याद रखना, जो जन हुआ करता था परिवार, और परिवार को मिलाकर क्या बनता था उसको जन कहते थे। सबसे जो छोटी इकाई थी सामाजिक इकाई की बातचीत की जा रही है वैदिक एज के समय में क्या थी, जन थी। फिर क्या हुआ कि जब जन मिले, बाद में जब जन मिले तो जनपद बना। ध्यान रखना, परिवार और परिवार को मिलाकर क्या बनता था, जन बनता था। जब जन और जन मिले तो जनपद बना। क्या बना, जन प्लस जन मिले तो क्या कहलाया, जनपद। और ये जो जनपद वर्ड अस्तित्व में आया तो उत्तर वैदिक काल का जो समय है उसमें उस वक्त अस्तित्व में आया। जनपद जो शब्द है, शब्द की उत्पत्ति जो हुई है तो उस वक्त टाइम कौन सा है, तो उत्तर वैदिक काल का समय है। नंबर वन आपको अच्छे से याद है, बात याद रखनी है, जन शब्द की उत्पत्ति वैदिक काल का, पूर्व वैदिक काल का जो समय है, वैदिक काल आपका पूरा है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक को पूर्व वैदिक काल बोलते हैं दूसरे को उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। तो जो पूर्व वैदिक काल है उसमें जन की उत्पत्ति हो गई थी। जन किससे मिलकर बनता था, तो ये परिवार, परिवार से मिलकर बनता था। सामाजिक यूनिट जो थी जो ऋग्वैदिक का पूर्व वैदिक काल है उसमें सबसे छोटी वो परिवार थी। परिवार को मिलाकर क्या बनता था, जन। बात क्लियर हो रही है, अगर अच्छे से आपको पता चल गया तो आगे चलते हैं। परिवार परिवार को मिलाकर जन बनता था, और जन को मिलाकर जनपद बनता था। बस इतना ही है। उत्तर वैदिक काल में जनपद अस्तित्व में आया। जब वैदिक काल का अंत होता है 600 बीसी के आसपास में, तो आपके सामने महाजनपद आता है। क्योंकि ये शब्द पहले समझना जरूरी है, अगर आपको ये पता नहीं है तो क्या होगा, आपके लिए इस टॉपिक को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जन कब अस्तित्व में आया, अच्छे से पता चल गया। जनपद कब अस्तित्व में आया, क्या होता है, और भी अच्छे से पता चल गया। महाजनपद क्या होता है, वो भी आपको अच्छे से पता चल गया।
जड़ है वो परिवार परिवार को मिलाकर बन रहा है। महाजनपद जो आगे क्या बोलते हैं, जनपद है क्या बोलते हैं उसको, जो जनपद है याद रखना कि जो परिवार है, परिवार प्लस परिवार को मिलाकर क्या हो रहा है, आपका जनपद बन रहा है। क्या बन रहा है, जो आपका सॉरी जन बन रहा है, वो जो जन और जन है उसको मिलाकर क्या बन रहा है, जनपद बन रहा है। अब आगे जब बातचीत की जाएगी, आगे की जो बातचीत है उसमें क्या है कि जब जनपद और जनपद मिलेंगे तो उस वक्त क्या बनेगा, उस वक्त आपको महाजनपद देखने को मिलेगा। ये जो बातचीत चली हुई है, जन शब्द की जो उत्पत्ति होती है, तो ये 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में होती है, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक होती है। अभी जो बातचीत है जनपद, तो जनपद की जो उत्पत्ति हुई है तो ये इस एरा में हुई है, जो 1000 बीसी है उससे लेकर 600 बीसी के आसपास में हुई है। और जो महाजनपद अस्तित्व में आया तो ये कब आया, 600 बीसी के आसपास या इसके बाद ये अस्तित्व में आया। तो अब आगे चलते हैं कि जो हम पढ़ेंगे हिमाचल के जो प्रमुख जनपद है उनके बारे में, और उनमें से भी आज हम एक की बातचीत करेंगे और जो बचे होंगे उसे पार्ट वाइज आपके सामने रखूंगा मैं। तो आइए चलते हैं त्रिगत की तरफ। त्रिगत के बारे में ये कहा जाता है कि ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जनपद था। वर्तमान में इसका जो बदला हुआ रूप है वो कांगड़ा का रूप है, और सबसे बड़ा भी उस वक्त ये हुआ करता था। त्रिगत का मूल स्थान, मतलब त्रिगत में जो निवासी आए वो कहां से आए थे, तो माना जाता है इनका जो मूल स्थान था वो मुल्तान हुआ करता था। और मुल्तान जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। मुल्तानी मिट्टी आपने इसका नाम सुना होगा, काफी फेमस है, मार्केट में इसकी काफी अच्छी कॉस्ट है। आगे नेक्स्ट वन, वर्तमान में निवास स्थान कहाँ है, तो वर्तमान की जब बातचीत की जाएगी तो रावी ब्यास सतलुज के बीच का जो क्षेत्र है उसे त्रिगत कहते हैं, वर्तमान की यह स्थिति है। आगे बातचीत की जाए भौगोलिक दृष्टिकोण, तो इसका विस्तार अगर पुराने समय में जाएंगे तो जो आपका पंजाब का जलंधर था वहां से लेकर जो ये कांगड़ा के जो कुछ एक रीजन थे और साथ में चंबा के कुछ एक रीजन थे, पठानकोट के कुछ एक रीजन थे, इसमें फैला हुआ था। कहां तक, जो रावी ब्यास सतलुज के आस पड़ोस के एरिया थे उसमें इसका भौगोलिक विस्तार था। क्या था उसका भौगोलिक विस्तार था, माना जाता है कि मंडी तक भी इसका विस्तार था, जो त्रिगत था इसका मंडी तक भी विस्तार था, उसकी इस वक्त राजधानी जलंधर हुआ करती थी। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो जो पांडव काल हुआ उस काल में इसकी चर्चा देखने को मिलती है, पांडव काल में इसकी चर्चा देखने को मिलती है। कांगड़ा का एक राजा हुआ सुशर्मा चंद, जिसे कांगड़ा रियासत का संस्थापक कहा जाता है, कांगड़ा का जो फोर्ट बनाया हुआ है उसकी देन है। तो जब पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हुआ तो माना जाता है कि उन्होंने कौरवों का साथ दिया था, दुर्योधन के साथ चाय कॉफी उस वक्त दिया, मदिरा पान हुआ करता था, ऐसी मान्यता उनके बारे में है, ऐसा जो हमारे हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर है उसमें बातचीत लिखी हुई है। आगे नेक्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपको इतना ही जानना है कि जो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो क्या थी,
तो इतना ही काफी है। बात करें भाषा और लिपि की, तो भाषा लिपि इसकी ब्रह्मी और खरोष्ठी मानी जाती है। हमें ऐसा कैसे पता चला कि इन्होंने पांडवों और कौरवों के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था? तो कुछ एक जो प्रमाण है वो महाभारत से मिलते हैं। जो महाभारत सबसे बड़ा एपिक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, वेदव्यास के रचयिता है, तो उससे हमें बातचीत पता चलती है। दूसरी बातचीत कैसे पता चलती है कि बुक जो है एक मतलब जो राइटर हुए हैं पाणिनि, संस्कृत के राइटर है। माना जाता है 400 बीसी से लेकर 700 बीसी के आसपास में ये पाणिनि की रचना हो गई थी, मतलब जो पाणिनि की अष्टाध्याय है इसकी रचना हो गई थी। ये ग्रामर की सबसे पुरानी बुक मानी जाती है, इसके पाणिनि की अष्टाध्याय। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिगर इसमें भी मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्याय। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ये बातचीत कही गई है, अष्टाध्याय इसमें बातचीत होती है। याद रखना पाणिनि की अष्टाध्याय संस्कृत की सबसे पुरानी ग्रामर है, संस्कृत की पहली ग्रामर है। लिखने वाले कौन है? पाणिनि जी। आगे जो बातचीत की हुई है कि जो पाणिनि की अष्टाध्याय है इसमें एक चीज लिखी हुई है कि ये जो त्रिगत जनपद हुआ करता था ये आयुधजीवी था। इन्होंने आयुधजीवी वर्ड यूज किया है किनके लिए? जो त्रिगत के आयुधजीवी, आयुधजीवी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आयुध प्लस जीवी। आयुध का मतलब है युद्ध करके, जीवी का मतलब है जो जीविका कमाए। तो ऐसे व्यक्ति जो युद्ध करके उनसे अपनी जीविका चलाते थे, पाणिनि की अष्टाध्याय में उन व्यक्तियों को त्रिगत जनपद की कैटेगरी में रखा गया है। किस कैटेगरी में? त्रिगत जनपद जो है उस कैटेगरी में रखा गया है। आगे जो ये बातचीत की, मतलब जो भाषा की बातचीत की जाती है, लिपि की बातचीत की जाती है, तो ब्रह्मी और खरोष्ठी, आपने अशोक के बारे में तो पढ़ा होगा, उनके कार्यकाल में भी इन लिपियों का प्रचलन हुआ। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक की बातचीत की, ये जनरल सी डिस्कशन थी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, साथ में जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको मतलब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। साथ में आपको क्या करना है, बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, छोटों से करना है प्यार और स्नेह, परिवारों से इनका रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।